वाराणसी में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है चंद्रयान 3 को लेकर लोगों में? बिल्कुल, अगर हम चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बात करें तो वाराणसी में सुबह से ही जो प्रार्थनाओं का दौर है वो लगातार चल रहा है, लेकिन हम एक स्कूल में हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चे भी उसमें सम्मिलित हैं और उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखा दें, तकरीबन 100 से ज़्यादा की संख्या में ये बच्चे हैं जो हाथों में बलून लिए हुए, तिरंगे रंग के बलून लिए हुए हैं और अपने हाथों से पेंटिंग करके इस बलून पर चिपकाए हुए हैं। चंद्रयान 3 के ये देखिए पेंटिंग, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बनाए हुए हैं लगातार, और 100 से ज़्यादा की संख्या में ये लगातार है अभी कुछ ही देर में, क्योंकि साफ तौर से बच्चों का कहना है कि क्या किस तरीके से हम लोग भी चंद्रयान को आकाश में उड़ाएंगे। तो बच्चों का साफ तौर से आकाश में उड़ाने की जो बात थी, तो स्कूल के जो तरफ से ये बलून की व्यवस्था की गई, बलून में ये बच्चे अपने हाथ से बनाए हुए पेंटिंग को चिपकाए हुए हैं जो इनको ये छोड़ेंगे आकाश में। और हम आपको ये दिखा दें, एस्ट्रोनॉट्स भी बच्चों को बनाया गया है और हाथों में तिरंगा लेकर, क्योंकि देखिए चांद का सतह बनाया गया है, किस तरीके से बच्चे अपने जो उत्साहित है वो किस तरीके से काम, हाथ में तिरंगा है, 2 एस्ट्रोनॉट्स है चांद पर खड़े हैं, बच्चे हैं पीछे 100 से ज़्यादा संख्या में। हम उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से बच्चे उत्साहित हैं। बेटा क्या कर रहे हो आज आप लोग, किस तरीके से उत्साहित हो? आज हम लोग ने इसको ड्रॉ करके बलून पर चिपकाया है और उसके बाद उसको अभी हम लोग उड़ाएंगे। कितना खुशी जाहिर है, कितनी खुशी है? बहुत खुश हम लोग। अच्छा, क्या किया आज आप लोगों ने? आज हम लोग ने बलून पर अपने से ड्राइंग बना के चंद्रयान का लगाया है और इसी तरह जैसे चंद्रयान गया है मून पर, वैसे हम लोग का भी चंद्रयान जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से चंद्रयान गया है मून पर, उसी तरह ये बच्चे भी एक तरीके से ये बलून छोड़ेंगे और चंद्रयान की तरह इसको भी वो आकाश में उड़ाएंगे। स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करते हैं किस तरीके से ये बच्चे जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन इसी मद्देनज़र रखा है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उज्ज्वल भविष्य हैं। आज हम उन्हें प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भविष्य में ऐसे ही किसी बड़े अभियान का हिस्सा बने कि हम बड़ा कुछ कर सकें। आज देश ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं और शायद ये जश्न अभी शाम में लैंड होने के बाद और देर तक। तो किस तरीके से अब ये बलून जो आप लोग हवा में उड़ाएंगे, काउंट डाउन स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल, अभी हम काउंट डाउन स्टार्ट करने वाले हैं और बच्चे अपना खुद का चंद्रयान उड़ाने वाले हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अब ये जो सारे बच्चों के हाथ में जो बलून है वो अब ये आकाश में छोड़ेंगे और पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बैनर बनाया गया है और बैनर पे साफ तौर से चंद्रयान 3 के वो तस्वीर है वो बनाई गई है और ऊपर चांद है। अब बच्चों के ऊपर ये जो उत्साह है वो देखिएगा किस तरीके से, क्योंकि अब काम डाउन स्टार्ट होगा और काम डाउन जैसे ही पूरा होगा ये बच्चे पूरी तरीके से सारे बलून को जो तिरंगे रंग में ये बलून है, ऑरेंज है, सफ़ेद है, हरा, तीनों रंग में ये बच्चे हैं और 100 से ज़्यादा की संख्या में है और इसको ये आकाश में छोड़ेंगे। किस और भी लोग हैं मुझसे देखिए, ये बच्चों का देखिए जश्न और ये खुशी देखिए, बच्चों के चेहरे की खुशी देखिए, जश्न देखिए किस तरीके का उत्साह है। तिरंगे के रंग के ये बलून है ये पूरी तरीके से आकाश में छोड़ दिए गए हैं, बच्चों का उत्साह देखिए किस तरीके से जश्न मना रहे हैं ये अभी की, क्योंकि अभी सिर्फ 5 घंटे और बाकी है, उससे पहले इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरे की खुशी देखिए किस तरीके से उत्साह है। इन बलून पे चंद्रयान के जो तस्वीर है अपने हाथ से बना करके उसको आकाश में छोड़ दिया गया है, बच्चे इसी तरह से अपने उत्साह को लगातार बना रहे हैं। कितनी खुशी है आज आप लोग? बहुत ज्यादा खुशी है। क्या क्या किया आप लोगों ने, कैसे किया आप चंद्रयान को आकाश में? बहुत मजा आया उड़ा के हम लोग को। अच्छा, हमारे साथ मैडम लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो कैसे उत्साहित और काम। बच्चे तो बहुत ज्यादा उत्साहित है, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज चंद्रयान हमारा चांद की सतह पे पहुंच रहा है, जिससे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी रील्स बना रही है कि चंद्रयान पूरी तरीके से सही तरीके से सतह पे नहीं पहुंच पा रहा है। उस पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में बहुत औकात की बात होती है। ठीक है, बहुत जोश देखने को मिल रहा है अनुज, बच्चों में भी जोश है और उनके जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत क्रिएटिव तरीके से जो है चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले ये सेलिब्रेट किया है। Z News.